हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। आपके सामने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लिस्ट आउट किए हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फोर्थ, लाइक फ्रैक्शंस। फिफ्थ, अनलाइक फ्रैक्शंस। सिक्स्थ, यूनिट फ्रैक्शंस। एंड सेवन्थ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम ये जितने भी 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ये हैं उनको वन बाय वन उनके एग्जांपल्स के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब टॉप नंबर दैट इज ऊपर वाला नंबर अगर बॉटम नंबर से छोटा हो, नीचे वाले नंबर से अगर छोटा हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके सामने एक टेबल है जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम में फ्रैक्शंस लिस्ट आउट किए हैं। सेकंड कॉलम में मैंने उनका एनालिसिस किया है कि भाई न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। थर्ड कॉलम अभी एम्प्टी रखा है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब अपनी डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अपना टाइप कौन सा यहां पे मिल रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट है 5/7। न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 7। न्यूमरेटर 5 इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर 7। देयरफॉर 5/7 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में भी ऐसा ही है। न्यूमरेटर है 9, डिनोमिनेटर है 11। न्यूमरेटर 9 इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर 11, तो 9/11 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। लास्ट है 1/3। न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 3। 1 इज स्मॉलर देन 3, दैट मींस ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, देयरफॉर वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट मींस 1/3 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड इज ऑल अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में लिखा है और इक्वल टू, मतलब कभी कभार क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होंगे, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर सेम हो रहा है तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अदरवाइज अगर ऊपर वाला नंबर दैट मीन्स न्यूमरेटर नीचे वाले नंबर से, दैट मीन्स डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो हम उसको बोलेंगे, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन आपके सामने टेबल है जिसमें मैंने 4 अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हैं। सेकंड कॉलम में हमने एनालिसिस किया है, थर्ड कॉलम फिलहाल एम्प्टी है, हम उसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/5। न्यूमरेटर है 7 विच इज बिगर देन द डिनोमिनेटर 5, एंड देयरफॉर 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड है 11/9, इसमें ऊपर वाला नंबर है 11, नीचे वाला नंबर है 9। 11 इज बिगर देन 9, दैट इज ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो 11/9 भी अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 9। अब हम बोलेंगे 9 फ्रैक्शन कैसे हुआ, लेकिन 9 फ्रैक्शन ही है क्योंकि 9 कैन बी रिटन एज 9/1। हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही हमें वापस मिलेगा, नंबर इटसेल्फ हमें मिलेगा। जैसे 15/1 लिखा तो उसका आंसर 15 ही आना है, तो वैसे ही यहाँ पे 9 है, दैट मींस 9/1 है, तो इसमें न्यूमरेटर 9 है जो कि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो 9/1 दैट मींस माय 9 इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट वन है 5/5। 5/5, न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है। देखो ग्रीन में लिखा है 5 इक्वल टू 5, अपने डेफिनेशन में अभी यहाँ पे लिखा है कभी कभार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर है 5 इक्वल टू 5, न्यूमरेटर भी 5, डिनोमिनेटर भी 5, तो 5/5 भी अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में नाम ही बता रहा है मिक्स्ड है। मिक्स क्या क्या है,
एक होल नंबर उसके साथ हमने लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन को। एक एग्जांपल लिया है 3 इंटीजर 5 बाय 7। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 के बाजू में लिखा है 5 बाय 7, उसको कैसे रीड करते हैं, 3 इंटीजर 5 बाय 7। उसमें जो 3 है वो होल नंबर है और इट इज नोन एज द इंटीग्रल पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन में आगे जो होल नंबर लिखा होता है जो कि यहाँ पे 3 है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट मिक्स फ्रैक्शन। चलिए ठीक है, बाजू में लिखा है 5 बाय 7। व्हाट इज 5 बाय 7? 5 बाय 7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और ये जो 5 बाय 7 हम जो लिखा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। इन शॉर्ट, जब भी हम लिखते हैं कोई मिक्स फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 3 इंटीजर 5 बाय 7, तो 3 कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट जो कि हमेशा होल नंबर होता है, 5 बाय 7 कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन विच इज एक्चुअली द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस, ये सबसे आसान है। अ सेट ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, हमारे पास अगर 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शंस दिए हैं लेकिन अगर सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस और द सेट ऑफ फ्रैक्शंस इज नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल देखते हैं, 5 बाय 7, 1 बाय 7, 3 बाय 7, 2 बाय 7 आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर 7। देखो सबके नीचे मैंने 7 लिखा है रेड कलर से, मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक में उल्टा है। अ सेट ऑफ फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए होंगे लेकिन सबके डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो फ्रैक्शंस कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल देखते हैं, 5 बाय 7, 3 बाय 5, 2 बाय 9, 4 बाय 11 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देखो कलर ही मैंने अलग से लिए हुए हैं, 7 है रेड कलर में लिखा है, 5 ब्लू में, 9 ग्रीन में और 11 पिंक कलर में लिखा है। मतलब सारे जो डिनोमिनेटर्स है 7, 5, 9, 11 दे आर ऑल डिफरेंट नंबर्स एंड देयरफॉर फ्रैक्शंस 5 बाय 7, 3 बाय 5, 2 बाय 9, 4 बाय 11 आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सिक्स्थ, यूनिट फ्रैक्शंस, ये भी बहुत आसान है। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। अगर हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं और अगर उनके न्यूमरेटर में 1 है तो वो कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन या तो यूनिट फ्रैक्शंस। जैसे कि 1 बाय 7, 1 बाय 5, 1 बाय 8, 1 बाय 11 सबके न्यूमरेटर में मैंने रेड कलर से लिखा है 1, सबका न्यूमरेटर 1 है एंड दैट इज द रीजन 1 बाय 7, 1 बाय 5, 1 बाय 8 एंड 1 बाय 11 आर यूनिट फ्रैक्शंस। लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब हमें 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए होंगे और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कब कहलाएंगे, जब उनकी वैल्यू सेम होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 बाय 7, 15 बाय 21, 10 बाय 14, 30 बाय 42, 30 बाय 42 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब मैंने बोला इसलिए आपको नहीं मानना है लेकिन मैं ये आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो 4 फ्रैक्शंस मैंने लिए हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों हैं। देखो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। 5 बाय 7 तो अपने को दिया हुआ है ना। अब जो 15 बाय 21 है वो कैसे आया, तो ये जो अपना फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है 5 और 7 उनके टेबल में ही आ रहा है। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसी 3 से अगर हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें तो अपना 15 बाय 21 आ जाता है। वैसे 10 बाय 14 जो हमारे पास है वो कैसे आया, तो 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 बाय 14 मिला। सिमिलरली लास्ट वाला है 30 बाय 42, अच्छा वो कैसे आया, तो हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया,
और उसी 6 से हमने 7 को भी मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 30/42। कहने का मतलब 15/21 को अगर हम कैंसलेशन रूल अप्लाई करेंगे तो 5/7 ही आना है। सिमिलरली 10/14 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना है वो आगे हम बताएंगे। अगर हम 10/14 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में लाते हैं, तो 5/7 ही मिलेगा। और वैसा ही 30/42 के बारे में हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब 15/21, 10/14 एंड 30/42 को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 5/7 ही मिल रहा है, इसलिए ये चारों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपके जो सातों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थे वो मैंने एक्सप्लेन कर लिए, राइट। अब इट्स एन एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में मैं आपको एक इमेज बता रहा हूँ। देखिए ये इमेज है जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने फ्रैक्शंस लिस्ट आउट किए हैं, थर्ड कॉलम में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का लिस्ट है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, लाइक, अनलाइक, यूनिट एंड इक्विवेलेंट, और बीच में सेकेंड कॉलम में मैंने मैच लिखा हुआ है। वन का आंसर क्या है, टू का आंसर क्या है, वो हमें चेक करना है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा मैच हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है 5/7, 9/11, 1/3, उसके एक से ज्यादा फ्रैक्शंस के टाइप मिल सकते हैं। कैसे आप नहीं मानोगे, चलिए देखते हैं एक वीडियो। हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें सारे फ्रैक्शंस को उसके टाइप ऑफ फ्रैक्शन से मैच करवाना है। कोई भी क्वेश्चन का बहुत सारे वन से ज्यादा फ्रैक्शन से मैच हो सकता है। हमें 5/7, 9/11 और 1/3 को देखना है। ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सब के जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। तो यहाँ पे एक, फिर 5/7, 9/11 एंड 1/3 इम्प्रॉपर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं है, लाइक भी नहीं है, अनलाइक है क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो फिर वो यूनिट फ्रैक्शन भी नहीं है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। 7/5, 11/9 एंड 9/1 वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटे हैं, इसीलिए यहाँ पे बी आएगा। फिर ये सारे जो तीन फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन भी नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये आएगा। फिर ये तीन फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन भी नहीं है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर 3 इंटीजर 2/5, 5 इंटीजर 2/7 वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है ये जो इसके न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर वो मिक्स फ्रैक्शन भी है तो सी। फिर ये अनलाइक फ्रैक्शन भी है क्योंकि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। फिर 4/7, 3/7 और 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सब के जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। फिर ये तीनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं है, मिक्स भी नहीं है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। फिर ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, यूनिट फ्रैक्शन नहीं है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर 4/7, 3/7, 5/6 एंड 2/5 वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है, मिक्स नहीं है, लाइक नहीं है, अनलाइक है क्योंकि इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो अनलाइक ई। फिर
यूनिट फ्रैक्शन भी नहीं है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर ये जो सिक्स है 1/9, 1/11 और 1/13 वो यूनिट फ्रैक्शन है, यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन एफ, क्योंकि इन सबके जो न्यूमरेटर है वो वन है, फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इम्प्रॉपर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे ई, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर 1/9, 2/18 और 3/27 वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सबके जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं। फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, वो लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भले इसके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, पर अगर हमें हम 2/18 और 3/27 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो 1/9 आंसर आएगा, इसीलिए यहाँ पे सब में 1/9 हो जाता है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। फिर ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/18, फिर 1/9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/27, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है। ऑलराइट, सो अब आपको एक दे रहे हैं होम एक्टिविटी। जैसे आगे अपने हमने एक एक्टिविटी की, वैसे एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ जिसे जिसका मैंने बोला है होम एक्टिविटी। उसमें भी आपको ऐसा ही एक मैं बोर्ड दे रहा हूँ और उसमें आपको फ्रैक्शंस का लिस्ट दिया गया है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिए गए हैं और आपको यहाँ पे उनके मैच निकालने हैं। याद रखना है हर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है। इसके आंसर्स मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसे इसके आंसर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे का, उस पूरे बोर्ड का, उस पूरी होम एक्टिविटी का आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक आप उसको, इस वीडियो को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड कंप्लीट दिस होम एक्टिविटी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसके आंसर आपको रेडी कर देने हैं।